आज इतना दुख हुआ है। आप जानते हैं कि मेरा अपना पहले भी लगा रहा है रियासी वाला मामला शिवखोड़ी का। आज जो बच्चे और छुट्टियों के दिन चल रहे हैं अपने परिवार लेके देश से मुल्क से और इलाकों से निकल के लोग यात्राएं कर रहे हैं, कोई माता रानी के दर्शन कर रहा है, कोई शिवखोड़ी जा रहा है। आज जो बड़ी गाड़ी माता रानी के वहां से कटरा से निकल के शिवखोड़ी जा रही थी तो रास्ते में पौनी के एरिया में मामला पौनी के एरिया में जो एक सीवियर अटैक हुआ है और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, कई दिनों से यहां मिल्टन बैठे हुए और मैं कह सकता हूं कि इतना नॉन सीरियसली कई इन्होंने कार्ड ऑन किए, कार्डन लगाए, कई चीजें बताई, हमने घेरे हुए हैं, हमने वो किए हुए हैं, इसी बेल्ट में पिछले दिनों भी अटैक हुए, ये वही जगह है। तो हमें अफसोस है कि इतनी जाने जाने 10 से ज्यादा लोग मर चुके हैं और काफी ऐसी पोजीशन में है जो इनकी डेथ हो सकती है और इतने लोग जख्मी हैं और 30-40 से लोग ज्यादा जख्मी हैं, हॉस्पिटल में तरस से हैं। और आप जानते हैं जो इंतजाम इस समय हॉस्पिटलों का है, अब रियासी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था इतना बढ़िया, वहां तो कुछ है नहीं, सारे लोग वहां से ऐसे तरसते हुए कहीं मेडिकल कॉलेज की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं, कहीं किए जा रहे हैं, वहां कहीं उधर ही तरसे हैं। तो मेरा कहने का मकसद है इतनी जोरों से ये मिलिटेंसी दोहरा सिर निकाल रही है, ये जो करतूत इन्होंने कहते हैं हमने ये 370 तोड़ी, ये किया वो किया, अब ये रिजल्ट क्या निकल रहा है? और हमारे इलाके सबसे सेफ एंड साउंड थे, अभी पिछले दिनों आपने देखा कि पुनारा में जाके जो बीडीसी का लड़का मारा गया, अभी तक उसके घर से कोई बंदा नौकर नहीं हुआ। और कहने का मकसद है, और अभी तक भी वहां जिस तरीके से आर्मी को ऊपर लगाना था, आर्मी हटाई कैसे? यहां जहां आर्मी काम कर रही थी, सीआरपीएफ काम कर रही थी, वो आपने यहां से हटाई है, ये चीजें द्वारा उसकी जगह लेने द्वारा पहुंच गए। तो मेरा ये सरकार से मौतवाना ये अपील है कि मेहरबानी करके आगे कैजुअल्टियां बचें, आगे लोग मरने से बचें, आप इंतजाम करिए जो सिक्योरिटी फोर्स फ्यूल में इलेक्शनों में दाएं बाएं आपने लोग घुमाते रहे और ये लोग जगह लेते रहे, पता होना चाहिए।